हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और खुशहाल होंगे। और ये व्लॉग है कल का, और कल हमारे यहाँ पे बसोड़ा पूजा जाता है। बसोड़ा यानी कि शीतला माता की पूजा की जाती है, और ये जिस दिन होली जलती है ना, बिल्कुल उस दिन एक हफ्ते बाद पूजा की जाती है। और मुझे ये मेरी सासू माम ने बताया है। तो हमारे यहाँ पे इस दिन जो पुए होते हैं ना, पुए, कुछ लोग इनको पूड़े भी कहते हैं और कुछ लोग इन्हें गुलगुले भी कहते हैं। बेसिकली ये है इंडियन डोनट्स, गुड़ के साथ बनाए जाते हैं, तो वो बना रही हूँ मैं। ये बनाए जाते हैं हमारे घर में, और फिर पूजा की जाती है शीतला माता की। बच्चे लोग ही बेसिकली पूजा करते हैं, और ये शीतला माता यू नो बच्चों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, चिकन पॉक्स वगैरह ना आए, उसके लिए किया जाता है। तो मेरी मम्मी थोड़ा अलग तरह से पूजा करती हूँ, और मेरी सासू माम थोड़ा अलग तरह से। तो मेरी सासू माम ने कहा था कि रात को पानी वानी निकाल के रख देना, बासी पानी से पुए बना के पूजा करनी है। जबकि मेरी मम्मी सारा खाना ही पहले दिन बना लेती हैं। बसोड़ा यानी कि बासी खाना इस दिन खाते हैं, चूल्हा नहीं जलाया जाता। बट मैं शादी होकर जिस घर में आई हूँ वहीं के रिवाज निभाती हूँ, तो मैं सिर्फ पुए बासी पानी से बना रही हूँ। बाकी मैंने सारे दिन नॉर्मल ही खाना बनाया था। तो पुए की रेसिपी मैं आपको दे देती हूँ, ये बहुत अच्छे बनेंगे, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए, और थोड़ा सा पानी लेना है आपको, और गरम करना है ज़रा सा पानी को, जिससे गुड़ उसमें अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। और इसके बाद ऐसा पानी आपको बना लेना है कि गुड़ उसमें बिल्कुल घुल जाए, पानी उबला हुआ नहीं करना है आपको। इसमें थोड़ी सौंफ और थोड़ी इलायची मिलाने के बाद इतना आटा मिला लीजिए जो आपके हिसाब से आपको लगे कि इनफ मीठा लगेगा, क्योंकि जो गुलगुले हैं ना, ये मीठे ही होते हैं। और इनको बिल्कुल जैसे हम पकौड़ियाँ नहीं बनाते, बिल्कुल वैसे बनाया जाएगा। तो बैटर तो बिल्कुल उसी तरह का रखा जाएगा, और जो गुड़ होता है ना, वो चीनी से थोड़ी सी कम स्वीटनेस देता है, क्योंकि गुड़ कई कई तरह के होते हैं। कुछ बहुत स्वीट गुड़ भी होता है, कुछ कम स्वीट भी होता है। तो आपके पास जो गुड़ है ना, वो कैसा है, उस हिसाब से आपको ऐसा बैटर बनाना है जो देखने में तो लगे कि पकौड़ी का बैटर है, पर वो आटा अच्छी तरह से स्वीट होना चाहिए, तभी आपके गुलगुले स्वाद लगेंगे। और ये सच्ची में ना बहुत अच्छे लगते हैं। एक बार आपका आटा तैयार हो जाएगा, ये बैटर तैयार हो जाएगा, तो एक पिंच इसमें बेकिंग सोडा डाल दीजिए, और इसके बाद फिर एक अच्छा सा ना स्मूथ सा लंप फ्री बैटर आप बना लीजिए। आप देखिए कैसा बैटर है ये, तो ऐसा लगभग केक जैसा ही बैटर बनता है, केक से ज़रा सा थिक। और फिर ये ऐसा होना चाहिए कि आप इसे हाथ में लेके ड्रॉप कर सकें तेल में, और अच्छे गोल गोल ये शेप ले सके, एकदम ये तेल में जाने के बाद फैल जाए। इतना लूज़ आपको नहीं बनाना है, ज़रा सा सोडा ज़रूर डालिएगा, इससे ये अच्छे क्रिस्पी बनते हैं। और छोटे छोटे से पुए बना लीजिए, पुए वैसे बड़े बड़े भी बनते हैं। और मेरी मम्मी ना हर तरह के त्यौहार पर थोड़े बहुत पुए तो बनाती ही थी, हमारे यहाँ ऐसा होता ही था। ये आजकल हम लोग थोड़ा ज़्यादा फैंसी कुकिंग करने लगे हैं, वरना मेरे घर में साल में कई बार पुए बनते थे, और मैंने एक साल बाद ही ये बनाए होंगे, मुझे इसके बीच कभी टाइम ही नहीं लगा, ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। तो ये जो गुलगुले हैं ना, इनको आप लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए। अगर आपको सरसों का तेल बहुत पसंद आता है ना, तो इन्हें सरसों के तेल में फ्राई कीजिएगा, वो बहुत टेस्टी लगते हैं। और अगर आपको सरसों के तेल के लिए टेस्ट नहीं है, तो फिर आप कोई भी ऑयल ले सकते हो, घी में भी अच्छे बनते हैं, बट वैसे भी किसी भी ऑयल में ही अच्छे बन जाएंगे। और इस तरह लाल लाल होने तक आप बना लीजिए। और ये अपने इंडियन डोनट्स ही हैं सच्ची में, इन्हें खा के बस मतलब एक गुड़ का जो एक टेस्ट है उसको अगर भुला दिया जाए तो वैसा ही लगता है। और मेरी बात पूछे ना, तो मुझे प्रेफरेबली ये ज़्यादा पसंद है, जो इसका एक अपना देसी सा अर्दी सा टेस्ट है ना, आई लव दैट। बच्चों को भी बहुत पसंद आए थे। तो इधर मैं बनाने लगी हूँ पुए, और ये 5-6 बैचेस में मैंने बनाए थे। तो पैरेलली पूजा की तैयारी शर्मा जी ने की। तो इस दिन क्या होता है, मैं आपको वो सभी रिवाज बता रही हूँ जो मेरी सासू मॉम फॉलो करती हैं, और उनको देखकर मैं फॉलो करती हूँ। तो इस दिन हम लोग क्या करते हैं, पुए बनाते हैं, और किचन में ही एक छोटी सी प्रतिमा बना लेते हैं माता की। ये शर्मा जी बना रहे हैं, तो इनको शीतला माता का रूप मानकर हम लोग इनकी पूजा करते हैं। हल्दी से प्रतिमा बनाई जाती है, और फिर जो घर के बच्चे होते हैं ना,
वो सभी और फिर बाद में हम सभी मतलब घर के सारे मेंबर्स हल्दी के ही छींटे मारते हैं। इस तरह से पूजा की जाती है। इस दिन कोई उपवास वगैरह नहीं किया जाता, बस पूजा करने तक आपको खाली पेट रहना होता है। तो यहाँ सबसे पहले सानवी खुशी ने छींटे मार दिए हैं और इसके बाद फिर शर्मा जी और मैंने भी पूजा कर ली है और इस तरह संपन्न हुई शीतला माता की पूजा और इसे हम लोग कहते हैं बसोड़ा। और लंच हम लोगों ने स्किप किया, फ्रूट्स वगैरह खा लिए थे मैंने और बच्चे लोगों ने भी जूस वगैरह ले लिया था, मन नहीं हो रहा था तो, और जो फ्रिज में कल का था वही थोड़ा बहुत हम लोगों ने खा लिया। एज इन शॉर्ट मैंने लंच नहीं बनाया। तो शाम को मैंने पौधों को पानी दिया और इसके बाद मेरी चाय, और चाय पीने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। एक बहुत अच्छा सा डिनर मैं बनाने वाली हूँ और मैं प्लान कर रही थी कि मैं बनाऊँगी आज बैंगन का चोखा, लेकिन बड़ा प्रॉब्लम हो गया, मेरा बैंगन का चोखा बना ही नहीं। तो मैं तैयारी उसी हिसाब से कर रही थी। मैंने 2-3 आलू रख दिए हैं बॉईल होने के लिए, ये एक बड़ा सा बैंगन ले लिया है और ये 4 टमाटर ले लिए अच्छे पके हुए। ये बैंगन लेकर आए थे शर्मा जी, उनको थोड़ा सा आइडिया नहीं है सभी सब्जियों के बारे में, वो ऐसी सब्जियाँ पिक करते हैं जो देखने में बहुत सुंदर लगें, लेकिन गोभी, बैंगन, इनफैक्ट मिर्ची वगैरह, इन सब में थोड़ा सा ना ये ट्रिकी होती हैं सब्जियाँ चुनने के लिए। तो वो देखने में तो बहुत अच्छा सा बैंगन लेकर आए थे, पर मैं जब इसे स्लिट लगा ही रही थी तभी मुझे लग रहा था कि इसमें बीज हैं, ये शायद अच्छा नहीं होने वाला, बट मैंने फिर भी चांस लिया। जो हुआ सो हुआ, मैं आपको लेकिन प्रॉपर रेसिपी देती जाऊंगी। आपको एक अच्छा बैंगन लेना है जो लाइट वेट हो और उसको अच्छी तरह धो के पोंछ लीजिए और उसके बाद सरसों का तेल बैंगन पे लगा दीजिए। साथ ही साथ 4-1 टमाटर लिए हैं मैंने, तो इनको भी अच्छी तरह से सरसों के तेल से कोट कर दीजिए। अब इन सब चीज़ों को भूनना है क्योंकि हम चोखा बना रहे हैं ना, तो उसमें इसी तरह भूना जाता है। और बैंगन को स्लिट करके उसे मैंने एक तरफ अलग भून लिया है और टमाटरों को जाली पे रख के भून लिया है, क्योंकि टमाटर को आप डायरेक्ट बर्नर पे रख के नहीं भून सकते हो, तो बैंगन भूनने में थोड़ा वक्त लेता है, टमाटर जल्दी ही भून जाते हैं। टमाटर भून लिए और उसके बाद मैंने 4-1 लहसुन की कलियाँ भी भून ली हैं। और टमाटर आप इतना भूनिए कि आप उसे हाथ लगाएं तो आपको वो सॉफ्ट लगना चाहिए। भरता में आपका टमाटर और बैंगन थोड़ा कच्चा रहता है तो चलता है क्योंकि वो कुक हो जाएगा, लेकिन चोखा में ये कच्चा नहीं चाहिए, बिल्कुल अच्छी तरह आपका टमाटर और बैंगन भुना होना चाहिए। और ये देखिए, ये अंदर से कच्चा ही है क्योंकि ये बहुत बीज वाला था, मुझे जिस चीज़ का डर था वो ही हो गया। और ये बैंगन मेरे अब मतलब पूरा का पूरा मैं इसे इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ। आलू उबल गए थे तो इन्हें मैंने छील के रख दिया है और गर्मा गर्म ही इन्हें थोड़ा सा मैश कर लें, अच्छे मैश होते हैं। तो आलू तो तैयार हो गए, टमाटर भी अच्छे से तैयार हो गए, बैंगन मैं पूरा इस्तेमाल करना चाहती थी बिकॉज बेसिकली ये बैंगन का ही चोखा है। है तो आलू बैंगन टमाटर का, लेकिन इसमें मेजर पोर्शन बैंगन का होता है तो अच्छा लगता है, पर मेरा बैंगन अच्छा नहीं निकला। इसमें से सिर्फ थोड़ा सा ही पार्ट सॉफ्ट था, वही मैंने निकाल लिया, जो बीज वाला पार्ट था या अंदर से कुक नहीं हुआ था, थोड़ा सा स्टिफ पार्ट था ना, हार्ड पार्ट था, वो मैंने सारा डिस्कार्ड कर दिया। अच्छा, भूनते हुए आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आप इसको एकदम हाई फ्लेम पे नहीं भूनेंगे, क्योंकि ये ऊपर ऊपर से पक जाए अंदर से नहीं पके ऐसा नहीं चाहिए। चोखा के लिए आपकी सारी ही चीज़ें अच्छी तरह से कुक्ड होनी चाहिए।
मैंने एक बर्तन में जितने भी टमाटर मैंने भुने थे उनका छिलका उतार के ले लिया है। एंड यस, ये बैंगन और ये टमाटर आपको धोना नहीं है, बस छिलका हटा लीजिए साफ़ हाथों से। आपको ज़रूरत लगती है तो बार बार हाथ धो लीजिए, सब्जियाँ नहीं धोना है आपको। टमाटर ले लिया है और उसी में मैंने बैंगन डाल के मैश कर लिया था, और अभी मैंने डाला है लहसुन, जो भुना था ना वो वाला लहसुन मैंने कूट लिया था वो डाल दिया है, और ये जो उबले हुए आलू मैश किए थे ये भी डाल दिए हैं। लहसुन मैंने थोड़ा सा पीछे से ही मिक्स कर दिया सो दैट वो एक ही जगह इकट्ठा ना हुआ रहे। और अब इसमें थोड़ी बहुत और चीज़ें जाएंगी, इसमें जाएगा कच्चा प्याज, बहुत अच्छा लगता है कच्चा प्याज, आपको जितना ज़्यादा पसंद आता हो उतना कम या ज़्यादा आप रख सकते हैं। चॉप्ड हरी मिर्चें, हरा धनिया, और इसके बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा सादा नमक। आप चाहें तो सारा का सारा सादा नमक इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ज़रा काला नमक से अच्छा टेस्ट आता है। इसके बाद आधा नींबू का रस मैंने यहाँ पे ऐड किया है, और इसे एक अच्छा सा मिक्स दे दीजिए। और अगर आपको ये थोड़ा भी लंपी फील होता है ना तो आप इसे मैशर से मैश कर सकते हो। मुझे कुछ कुछ आलू मोटे लग रहे थे तो थोड़ा थोड़ा मैंने भी इसको मैश कर लिया है, और ये बेसिक चोखा तो हो गया है तैयार। अब क्या होता है, कुछ लोग जिन्हें मैं पहले भी वही आ रही थी, अगर आपको सरसों का तेल का टेस्ट बहुत पसंद आता है ना तो चोखा में कच्चा ही तेल डाला जाता है, उसका टेस्ट जिनको पसंद है बहुत पसंद आता है। पर हम लोग इस तरह कच्चा तेल नहीं खा सकते, हम लोग को उसका टेस्ट नहीं है, तो मैं यहाँ पे तड़का लगाऊंगी। और एक लाल मिर्ची को इस तरह डायरेक्टली फ्लेम पे भून लीजिए और इसको तोड़ तोड़ के चोखा में मिला दीजिए, इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैंने एक लाल मिर्ची लिया, इसको अच्छे से फ्लेम पे भूना, और मैं इसको डाल ही रही थी तो मुझे याद आया कि मैंने काफ़ी सारी हरी मिर्ची डाल दी हैं, तो मैं ये सारा नहीं डालूंगी, ऐसा ना हो कि स्वाद के चक्कर में मेरे बच्चे इसे खा ना पाए, ज़्यादा तीखा हो जाए। तो मैंने फिर बाद में इसमें से सिर्फ आधा ही इस्तेमाल किया। आपको कैसा पसंद आता है ना, मतलब कितना तीखा आप लाइक करते हो, उस हिसाब से हरी मिर्ची और इस तरह भुनी हुई लाल मिर्ची आप मिला सकते हो। कुछ लोग लाल मिर्ची का पाउडर भी मिला लेते हैं, वो भी आप चाहें तो कर सकते हैं। और यहाँ पे तड़के के लिए मैंने सरसों का तेल लिया 3 चम्मच जैसा, और ये अच्छी तरह स्मोक हो गया तो इसके बाद मैंने इसमें डाला है जीरा। जीरा भुन जाने के बाद ये सारा सारा मैंने ऐड किया है चोखा में, और इस तरह से आप चोखा बनाइएगा, ये बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो ये एक बिहारी फेमस डिश है, वो लोग बहुत प्यार से खाते हैं और ये बहुत अच्छी भी बनती है, बट देन सबके पैलेट्स अलग होते हैं, इसलिए मैंने ये थोड़ा अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लिया है, क्योंकि हम लोग कच्चा तेल नहीं खा सकते, वी डोंट हैव अ टेस्ट फॉर इट, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई किया है। और चाहें तो आप मेरी तरह से कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैंने आपको बताया ही है कि किस तरह से किया जाता है, तो आप वैसे कर लें। और इसके साथ खाई जाती है टमाटर की चटनी भी, वो मैंने नहीं बनाया क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा खाना हो जाएगा, आई डोंट वांट टू वेस्ट फूड। मैं यहाँ पे बना रही हूँ नींबू वाली मिर्चें, ये भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है और ये मेरे घर में भी बहुत पसंद की जाती है। इसके लिए आपको ऐसी मिर्चें लेनी है जो बहुत ज़्यादा तीखी ना हो, या आपको तीखी पसंद है तो आप तीखी वाली ले लीजिए। तो इस तरह पीछे जहाँ स्टेम होते हैं ना वो काट के वहाँ से स्लिट कर दीजिए, या तो आप इस तरह काट लीजिए, और अगर आप टेल रखना चाहते हैं तो फिर टिप पे से इसको स्लिट कर लीजिए और टेल रख लीजिए। मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया है। और इसको भूनना है सरसों के तेल में, अगेन आपको अगर सरसों के तेल के लिए टेस्ट नहीं है तो आप कोई और तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ये बनती सरसों के तेल में ही है और बहुत अच्छी लगती है, मैं भी हमेशा सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। इसके बाद ये जितनी भी मिर्चियाँ हैं इन्हें आपको भूनना है एकदम करारा, करारा एज इन पूरी इसकी स्किन जो है भुन जानी चाहिए, आधा कच्चा आधा पक्का ऐसा नहीं लगना चाहिए, अच्छी तरह से स्पॉटेड हो जाएगी आपकी मिर्चें तब तक आप इनको पकाइए। और अच्छी मिर्चें देखिए, जो मिर्ची का स्किन एकदम शाइनी होता है, एकदम स्मूथ होता है, ज़्यादातर वो मिर्चें तीखी होती हैं, ऐसी मिर्चें फ्राई करके खाने के काम नहीं आती हैं क्योंकि उतना तीखा हम लोग नहीं पसंद कर पाएंगे रोटी के साथ खाने को। तो ऐसी मिर्चें जिनकी स्किन स्मूथ नहीं होती है, जो टच करने में अंदर से सॉफ्ट लगती हों, ऐसा आपको फील आए कि इनमें बीज नहीं है, ऐसी वाली मिर्ची लीजिएगा फ्राई करने के लिए। और ऐसा नहीं है कि आप चोखा बनाएंगे तो ही ये मिर्चें बनेंगी, आप इसे तारी के साथ खा सकते हैं, तारी यानी कि 1 पॉट मील जो होती है राइस वाली, उसके साथ खा लीजिए, नहीं तो ये किसी भी डिश के साथ अच्छी लगेगी। अच्छी तरह से मिर्चें भुन जाएंगी ना तो लास्ट में इसमें ऐड कीजिए स्वाद के हिसाब से नमक, और फ्लेम बंद करने के बाद आधे नींबू का रस, और बस रेडी है।
यहाँ मैं बनाने लगी हूँ मिस्सी रोटी। बेसिकली चोखा के साथ बनती है लिट्टी, पर मेरे पास सत्तू नहीं था इसलिए मैं लिट्टी नहीं बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ मिस्सी रोटी। ये भी इक्वली टेस्टी लगती है। बराबर मात्रा में अनारदाना और धनिया का बीज लेकर मैंने थोड़ी देर भून लिया है और इन्हें मोटा मोटा क्रश कर लीजिए, एकदम दरदरा कूटना है, पाउडर नहीं बनाना है। और ये जाएगा मिस्सी रोटी में। तो मिस्सी रोटी बनाने के लिए आपको चाहिए बराबर मात्रा में आटा और बेसन। आप चाहें तो बेसन की जो क्वांटिटी है वो बढ़ा सकते हो, पर आटे से कम बेसन नहीं होता है। इन दोनों को अच्छी तरह से मिला दीजिए और इसमें डालिए स्वाद के हिसाब से नमक, और ये बहुत अच्छे लगते हैं। और इसमें ऐड करना है आपको चॉप किया हुआ धनिया और हरी मिर्चें और थोड़ा सा कसूरी मेथी मैंने यहाँ ऐड किया है। और इसके बाद जो भी मसाले हमने कूटे थे ना, वो धनिया और अनारदाना, वो डाल दीजिए, और चॉप किया हुआ प्याज एंड देन हींग। कुछ लोग प्याज नहीं खाते हैं तो वो प्याज नहीं ऐड करते हैं, पर इसमें प्याज का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा हल्दी का पाउडर और थोड़ा सा घी डाल दीजिए इसमें, और अब इसको अच्छी तरह से गूंथ लीजिए। मिस्सी रोटी हर रेस्टोरेंट में आपको मिलेगी, हर रेस्टोरेंट के मेन्यू कार्ड पे होती है, बहुत यमी लगती है। यूँ तो इसे किसी भी अकम्पनीमेंट की ज़रूरत है नहीं, आप इसे ऐसे ही दही अचार से भी खा सकते हो, पर ये जो आपकी दाल मखनी होती है ना, उसके साथ, रायते के साथ या किसी भी हैवी ग्रेवी के साथ अच्छी लगती है। और आप इसे किसी भी चीज़ के साथ पेयर कर सकते हो, आलू टमाटर के साथ भी बहुत यम लगती है, और चोखा के साथ भी आप पूछे मत, बहुत ही यमी लगती है। आप थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा गूंद लीजिए, बहुत सॉफ्ट आटा नहीं लगाना है, बट बहुत स्टिफ भी नहीं। इसे 10-1 मिनट का रेस्ट ज़रूर दीजिएगा, सो दैट जो बेसन है वो जितना फूलना है फूल जाए। ये थोड़ा थोड़ा स्टिकी रहेगा ही, डोंट वरी, पर ये बेलने में काफ़ी आसान है, आप आसानी से इसकी रोटी बना पाओगे। और यहाँ पर आपको एक बात मैं बताना चाहूँगी, ये है तो मिस्सी रोटी, पर कुछ लोग इसे रोटी की तरह बनाते हैं, मतलब तवे पे थोड़ा कच्चा पक्का सेक कर फिर फ्लेम पर सेक लेते हैं। एक तरीका वो होता है, एक तरीका वो होता है जो मैं फॉलो कर रही हूँ, थोड़ा सा घी लगा के तवे पे ही सेक लेना, थोड़ा पराठा टाइप्स, लेकिन इसमें घी बहुत ज़्यादा नहीं डाला है मैंने, थोड़ा थोड़ा ही सेका है। आप चाहें तो बहुत सारे मक्खन के साथ अच्छा करारा करके सेक लीजिए, और दही के साथ आप खा सकते हैं, नहीं तो इसे ना तंदूरी स्टाइल में भी बनाया जाता है। तो मर्जी आपकी, आप इसे कैसे भी बना लें, स्टिल ये तंदूरी रोटी ही, ये मिस्सी रोटी है, इसे आप मिस्सी रोटी ही कहेंगे। तो मैंने इसको थोड़ा थोड़ा सा घी लगा के पराठे के जैसे सेक लिया है, क्योंकि जो इसके साथ हम खाने वाले हैं वो दोनों ही चीज़ें ड्राई हैं, इसलिए थोड़ा पराठा अच्छा लगेगा उसके साथ। और एकदम स्लो टू मीडियम फ्लेम पे आप इसे बनाइए, इसे हाई फ्लेम पे बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत प्यार से आप सेकिए, बहुत प्यारी बनती है और टेस्टी तो बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं इसका हेल्थ क्वोशेंट भी हाई है, और ये बहुत अच्छी ब्रेकफास्ट आइटम भी है। आप चाहें तो ब्रेकफास्ट में इसे बना सकते हैं, एंड इट इज़ वेरी ईजी एंड क्विक टू मेक, बहुत ज़्यादा इसमें तैयारी की ज़रूरत नहीं है। तो मिस्सी रोटी बन रही है और मैं बस अब सानवी खुशी को खाना दे दूँगी। और ये हमारा आज का सिंपल सा डिनर, पर ये बहुत ही यमी था, मिस्सी रोटी और चोखा। सामी खुशी को मैंने मिर्ची नहीं दी है। तो यहाँ है ना, मैंने सारी मिस्सी रोटी बना के रख ली है, शानू खुशी खा चुके हैं। ये मेरा और शर्मा जी के लिए है, और ये बहुत ज़्यादा है, आटा एक्स्ट्रा था तो मैंने आटा नहीं फ्रिज में रखा है, सारा का सारा इसको कुक कर दिया है। ये सुबह में चाय के साथ बहुत मस्त लगते हैं, इसलिए मैंने सारा सारा कुक कर दिया। और मैंने ये इसलिए बना दिया इकट्ठे क्योंकि बहुत लेट हो जाता है यार, फिर मैं और शर्मा जी बैठ कर इकट्ठे खाना खा सकते हैं। तो सानवी खुशी खाना खा चुके थे, और शर्मा जी जब ऑफिस से घर वापस आए हैं तब उन्होंने और मैंने खाना खाया। सानवी खुशी के स्कूल बंद हो चुके हैं बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, जो 15 डेज़ का प्रिकॉशन चल रहा है, पर शर्मा जी अभी भी ऑफिस ही जाते हैं, उनका अभी वर्क फ्रॉम होम का कोई सीन नहीं है। आई एम विशिंग कि हो जाए, थोड़ा सा डर लगता है। पर बैक टू फूड, शर्मा जी को बहुत पसंद आया ये कॉम्बिनेशन, उन्होंने मिस्सी रोटी और चोखा पहले भी खाए हैं, मिर्ची भी पहले खाया है, पर इस तरह कॉम्बिनेशन में मैंने पहली बार बनाया है और उनको बहुत पसंद आया। और इसके बाद टेबल पे भी और खाना खाने के बाद भी हम लोग एक ही बारे में बात कर रहे थे, एंड यू नो दैट थोड़ा सा डर लगने लगा है बाहर के हालात देखकर। पर मैं अगेन आपको भी यही बोलूँगी, खुद को भी मैं यही बोल रही हूँ, डरना थोड़ा सा सिचुएशन को लेकर एक
ये एक नॉर्मल प्रतिक्रिया है, अगर ऐसा है तो इट इज़ ओके, लेकिन पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। पैनिक होने से कुछ भी बदल जाने वाला नहीं है, बस सोच समझ के काम कीजिए और सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। सभी देशों की गवर्नमेंट आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि अपने नागरिकों को किस तरह बेहतर से बेहतर यू नो फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराए जाएँ, किस तरह उन लोगों का केयर किया जाए। ये जो 15 दिन का जो अवकाश हुआ है, हॉलीडेज़ हुए हैं हर जगह, वो इसी की वजह से है। और सानवी खुशी के स्कूल में शायद एग्ज़ाम्स अब नहीं होने वाले हैं इस सेशन के लिए। मैसेज आया था कि वो लोग अभी एवरेज पे ही सेटल कर देंगे सब कुछ अगर सिचुएशन ऐसी ही रही, पर इसको आप परमानेंट नहीं मान सकते हो। अगर बीच में सब कुछ बदल जाता है, स्कूल खुल जाते हैं, तो फिर देखा जाएगा कि क्या होगा। बट एज ऑफ नाउ सानवी खुशी के एग्ज़ाम्स इस साल के लिए नहीं हो रहे हैं। तो मैं आई थी किचन में, मुझे सुबह के लिए ये छोले भिगोने थे, नाश्ते में मैं इसका इस्तेमाल करने वाली हूँ। और शर्मा जी को नींद नहीं आ रही है तो उन्होंने मुझे बोला कि चाय बना दो, तो मैं पैरेलली उनके लिए और फिर अपने लिए भी चाय बना रही हूँ। और कल हम बहुत लेट सोए, 1 बजे तो मैं चाय ही बना रही थी। मुझे पता है कि जब नींद नहीं आती है तो चाय नहीं पीनी चाहिए, बट देन अगर आपको बातें ही करने का मन हो, आप सोना ही नहीं चाहते हैं, तो चाय या कॉफ़ी ही कंपेनियन होता है। तो बस बन गई है मेरी चाय भी, और चने मैंने भिगो दिए हैं सुबह के लिए। ये है ना एक्चुअली छोले हैं, छोटे वाले ऑर्गेनिक हैं, ये बहुत टेस्टी लगते हैं। आपको मिले तो आप ज़रूर लाइएगा, इसकी मैं कल आपके साथ एक रेसिपी शेयर करूँगी। बाय बाय।